हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। एंड यहाँ पर एफए कप का एक मैच हो रहा है, नॉटिंगम फॉरेस्ट वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच 1:15 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो देखिए नॉटिंगम फॉरेस्ट टीम जो कि 30 दिसंबर को अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल के गई थी और जीती थी 2-1 के स्कोर से। और ये चीज़ में मैं सुन के मैं पागल हो गया था, क्योंकि वो मैच रात को था, मैं हिल गया था। मैंने कहा ये क्या हुआ है भाई, क्या हो, क्या क्या, मतलब अभी तक मेरे को याद है वो दिन, वो रात दिसंबर की, जिसमें नॉटिंगम फॉरेस्ट ने यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया था। लेकिन उस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉर्म बिल्कुल नहीं थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉर्म को आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो इसलिए यूनाइटेड को अब फेवर किया जा सकता है लिमिट्स के अंदर, आउट ऑफ लिमिट्स नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 4 गोल कर देगी और सामने वाली टीम 0 पे रहेगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर ये 1 करेंगे, अगर ये 2 करेंगे, तो वो भी 1 कर सकते हैं। तो आप क्लीन शीट के लालच में मत रहना इस मैच में खासतौर। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूं, देखिए भाई स्ट्राइकिंग के अंदर मुझे नहीं पता कि ये किस बेस पे कैसा उतारने वाले हैं स्क्वाड, क्योंकि इनके पास प्लेयर बहुत हैं, इनके पास बहुत अनेक प्लेयर हैं। अगर ये चाहें तो 3-3 स्ट्राइकर एक मूवमेंट पे खिला सकते हैं, रेस्मस को भेज सकते हैं, अगर नैचो को, रैशफोर्ड को, तीनों एक साथ भेज सकते हैं, लेकिन इनके दिमाग का पता नहीं। तो मेरा ऐसा है, सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा रेस्मस एंड गर्नैचो। भाई रैशफोर्ड ने तो अपनी दिखा दी मुझे पिछले मैच में, क्या करता है क्या है। मैंने इतने दिल से इस बंदे को वाइस कप्तान रखा था, पहले मैं कैप्टन रखने लगा था, लेकिन मेरे मन में खोट था हल्का सा इसके लेके। मैंने कहा था नहीं भाई नहीं, ये धोखा देगा, इसने सच्ची दे दिया। इसलिए मैं, अगर ये खेलेगा भी तो मेरा 1% ना ही है। हाँ, अगर लेना होगा तो मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में एलांगा जो प्लेयर है, वो ही इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, उससे बढ़िया आपको टी है वॉनी मिल जाएगा। वॉनी नहीं खेला तो सी वुड तो बाप ही है भाई इनका, सीधी बात है, सी वुड तो बाप खिलाड़ी है, ठीक है, फिर तुम इसको लेंगे। हाँ, सी वुड नहीं खेलेगा तो एवॉनी को लेंगे, क्योंकि बिकॉज एवॉनी इज़ अ पेनल्टी टेकर एंड वो काफ़ी समय से खेल रहा है इस टीम के साथ। उसके बाद मिडफील्डिंग की बात करें, देन ब्रूनो के बाद मैक्टोमिने खेलेगा, तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं खेलता देन सेसमिरो को लेंगे, क्योंकि मैंने क्लीन शीट वाली टीम नहीं बनानी। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, देन एम गिब्स वाइट के बाद मुझे लगा था कि आई संगारे बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा कौन कर गया, ना तो डोमिंग्यूज, ना तो भाई संगारे ने अच्छा किया, ना रेना ने अच्छा किया। रेना चलो पहले बंडसलीगा लीग में खेलता था, लेकिन अच्छा किया सी हटसन ओडोई ने, जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि हटसन ओडोई इस हद तक खेल सकता है, अच्छा करके गया, तो मैं इसको लूँगा। उसके बाद मैं डिफेंडिंग की बात करूँ, डियोगो डैलट के बाद ल्यूक शो का तो अभी पता नहीं भाई, अभी मैं मैग्योर को लूँगा। मैग्योर के बाद वरेन और लिंडलॉफ ने पिछला मैच खेला था, वरेन को मैं ट्राई करता नहीं, क्योंकि वरेन मेरे लिए बहुत अनलकी है, मैं जितनी बार लेता हूँ मेरी सिर्फ हार ही होती है, कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं हार ही जाऊँगा अगर मैं वरेन को लूँगा, तो उससे बढ़िया मैं विक्टर लिंडलॉफ के साथ जाऊँ। और गोलकीपिंग की बात करें तो उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, मेरे को लगता है एम टर्नर या डब्ल्यू हैनसी में से किसी को खिलाएंगे, तो अभी मैं टर्नर के साथ हूँ। एंड बात करें यहाँ पर कप्तान की, सबका कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस, एक्चुअली सबको पता है कि ब्रूनो ने पिछले मैच के अंदर एक कैप्टन वाली असिस्ट की थी, तो वह बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ऐसा है कि मैं रिस्क लूँगा इस मैच में, ये रिस्क लेने लायक मैच है, क्योंकि ये एक तरफा मैच हो सकता है, तो उसमें ऐसा है कि मैं अपना कप्तान रेस्मस को रखूँगा, वाइस कप्तान आप ब्रूनो को रख लो। अब वैसे मैं अपना वाइस कप्तान रखने लगा था गर्नैचो को, अगर मैं पर्सनली अगर इस मैच में 2 टीम्स के साथ खेला तो मेरा दूसरा वाइस कैप्टन गर्नैचो है। और आपको बता दूं, अगर आप भी 2 टीम के साथ खेलते हो, अगर आप एक बैकअप टीम लेके चलते हो, कई लोग चलते हैं कईयों की आदत होती है, तो वो गर्नैचो को वाइस कैप्टन जरूर रखना, सेम टीम में ज़रूर रखना, ठीक है, साफ बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।